दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिस्क। इसलिए भारत में ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग जैसा समझते हैं। इस रिस्क के बारे में ज्यादातर बात उस समय में होती है जब मार्केट में स्ट्रेस होता है और बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है, जैसा हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। इस तरह के इवेंट्स ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं उन्हें डरा देते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसकी एबिलिटी सिर्फ वॉलेटाइल मार्केट में डाउनसाइड प्रोटेक्शन देना ही नहीं, बल्कि इक्विटी जैसे रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड कराता है। यानी ये पोर्टफोलियो हर टाइप की मार्केट कंडीशन के लिए होता है, इसलिए इसे ऑल वेदर बोला गया है। तो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में समझने के लिए हम ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस का एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्मॉल केस, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है जो गुड एंड बैड टाइम्स दोनों में अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी, गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम ETFs। ये इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि बहुत जरूरी है। इक्विटीज राइजिंग मार्केट से रिवेन्यू जनरेट करता है, गोल्ड प्रोटेक्शन देता है डाउन मार्केट के टाइम, एंड फिक्स्ड इनकम एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न्स के लिए। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करें इक्विटी लार्ज कैप से, तो हम देख सकते हैं ये ब्लू लाइन स्टेबल है, इसमें हमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है। वहीं इक्विटी लार्ज कैप में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, और स्पेसिफिकली बात करें लास्ट ईयर की, तो कोरोना की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी और मार्केट डाउन चला गया था। लेकिन ऑल वेदर इन्वेस्टिंग को हम देख सकते हैं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें डिफरेंट एसेट क्लासेज में इन्वेस्ट किया जाता है जो हर टाइप की मार्केट कंडीशन के लिए आइडियल होता है, जो आपको हेल्प करता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने में। पास्ट परफॉर्मेंस हमें कोई गारंटी नहीं देती कि फ्यूचर में भी ये ऐसा ही रिटर्न देगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी का हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये स्मॉल केसेस सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं जिनको इसमें एक्सपर्टीज होती है, और इसकी टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग भी की जाती है। स्मॉल केस को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कैसे आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्मॉल केस की वेबसाइट पे लेके आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल केस की ऐप को भी डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी लॉगिन का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपसे आपका ब्रोकर सिलेक्ट करने को बोलेगा। जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट है उसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इनमें से किसी ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ज़ेरोधा, जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, उसमें ऑनलाइन 10 मिनट में कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अब आप अपस्टॉक्स के जरिए भी स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स अकाउंट ओपनिंग लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना ब्रोकर सिलेक्ट करके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्मॉल केसेस देखने को मिल जाते हैं। स्मॉल केस को ओपन करके उसके बारे में सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और सिंपल तरीके से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक बार लॉगिन करके जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग थीम्स एंड आइडियाज से रिलेटेड बहुत सारे स्मॉल केसेस मिलते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो इन कंक्लूजन, आज की वीडियो में हमने समझा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग क्या होता है। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इक्विटी, गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम ETFs, जो इन्वेस्टर्स को एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराता है एंड उन्हें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हमने ऑल वेदर स्मॉल केस के बारे में भी समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।